हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पैनामा पेपर्स के बाद पैराडाइज पेपर्स में भी टैक्स चोर बेनकाब। नई मालियाती दस्तावेजात में दुनिया भर की अहम शख्सियात का पोल खुल गया। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के दो ट्रस्ट सामने आ गए, अहलिया और बच्चे बेनिफिशरी हैं। साबिक चेयरमैन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अयाज खान नियाजी भी चार ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। शरीफ फैमिली की मदद के लिए खत लिखने वाले साबिक कतरी वजीर आजम हमाद बिन जासिम की ऑफशोर कंपनी भी पकड़ी गई। मलिका एलिजाबेथ भी ऑफशोर कंपनियों की मालिक हैं। टैक्स चोरों में वजीर खारजा रेक्स टिलरसन और वजीर तिजारत विल्बर रॉस समेत डोनाल्ड ट्रंप के 13 साथी शामिल। यूरोप में नेटो के साबिक सुप्रीम कमांडर अमरीकी जनरल वेस्ले क्लार्क भी ऑफशोर कंपनी के डायरेक्टर हैं, पता चल गया। खुफिया ऑफशोर कंपनियां रखने वालों में साबिक सऊदी वजीर दिफा प्रिंस खालिद, तुर्क वजीर आजम के दो बच्चे भी शामिल हैं। उर्दन की मलका कनाडा के 3 साबिक वज़ीरे आजम और मौजूदा वजीर आजम के मुशीर का नाम भी अफशा हो गया। मडोना, भारतीय वजीर सिविल एविएशन अमिताभ बच्चन और संजय दत्त की बेगम समेत 714 भारतीयों के नाम भी शामिल। पैराडाइज पेपर्स ने रूसी हुकूमत की अमरीकी सोशल मीडिया में दिलचस्पी का भांडा भी फोड़ दिया। रूस ने ट्रंप के दामाद के बिजनेस पार्टनर के जरिए फेसबुक और ट्विटर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। ICICI की जारी करता पैराडाइज पेपर्स में 25,000 से ज्यादा कंपनियां, ट्रस्ट फंड्स और 120 सियासतदानों के नाम शामिल। दस्तावेजात सिंगापुर और बरमूडा की दो कंपनियों से हासिल की गई। सन 1950 से 2016 तक का डेटा खंगाला गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का मुनज़्ज़म वजूद नहीं। शरीफ बरादरान के बाद चौधरी बरादरान की बारी, असासा जात रेफरेंस में चौधरी शुजात और परवेज इलाही कुछ देर बाद नैब लाहौर में पेश होंगे। पुरानी मर्दमशुमारी पर आम इंतखाबात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी नशिस्तों को मुस्तरद करते हैं। विफाक और सूबों में सियासी तनाजात को हल कर रहे हैं। वज़ीर दाखला एहसन इकबाल का ट्वीट, गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी नहीं हुआ, हिरासत को गैर कानूनी करार दिया जाए। करप्शन केस में शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त। पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने वाले असेंबली से मुस्ताफी हों, जिमनी इलेक्शन में पीएसपी एमक्यूएम का मुकाबला करे। गुड मॉर्निंग आज में फारूक सत्तार का चैलेंज, कहा दबाव खत्म होगा तो पार्टी छोड़ने वाले वापस आ जाएंगे। सिंध असेंबली के बाहर माजूर अफराद का नौकरियों की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरे के बायस क्यानी रोड बंद, पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मौजूदा सियासी सूरतेहाल और नई हलकाबंदियों पर गौर, नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग की बैठक आज होगी, इजलास शाम इस्लामाबाद में होगा।
मरदान में दहशतगर्दी, शेरगढ़ में पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग से दो एहलकार शहीद हो गए। पुलिस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। अमरीकी रियासत टेक्सस का चर्च मक्तल बन गया। फिजाइया के सफेद फार्म साबिक एहलकार की फायरिंग से 27 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। यमन की सरहद के करीब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार सऊदी शहजादा मंसूर बिन मकरीन समेत 8 अफराद हलाक। शहजादा मकरीन सूबा असीर के डिप्टी गवर्नर थे। सऊदी वजीर दाखला ने दहशतगर्द ग्रुपों की मुआवनत, मनसूबाबंदी और हिमायत करने वाले यमन के 40 रहनुमाओं और मुलव्वस अफराद के नाम जारी कर दिए। मतलूब अफराद के बारे में इत्तला देने वालों को करोड़ों डॉलर इनाम दिया जाएगा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में दवाइयां नापैद, 48 घंटे में 30 नामौलूद चल बसे। आलूदा धुंध ने जमीनी और फजाई रास्ते महदूद कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, हद निगाह कम होने पर शाहराहें भी बंद। मुख्तलिफ अजला में धुंध से फीडर स्ट्रिप। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम ना करने का मुकदमा, अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को तलब कर लिया। पेशावर के इलाके सरबुलंदपुरा में डेंगू वायरस के 5 केसेस की तस्दीक, मुतअद्दिद घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इलाके में स्प्रे के लिए टीम भेज दी गई। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के बाद बैनुल अक्वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत 2 साल की बुलंद सतह पर आ गई। वजीर आला सिंध से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वफद की मुलाकात। मुराद अली शाह का 35 लाख रुपए की ग्रांट फौरी जारी करने का हुक्म। 10 रोज में हॉकी फेडरेशन को मजीद 1 अरब रुपए जारी किए जाएंगे।